Good morning, dear students. Today we are going to study polythene, a disaster. यह आपका एक लेसन है आपकी इंग्लिश में पेज नंबर 124 पर. तो ये हम पॉलीथीन के बारे में पढ़ेंगे. राकेश, ए स्टूडेंट ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड, विजिटेड हिज अंकल्स हाउस विद हिज पेरेंट्स एंड found a heap of dirt in polythene bags stinking nearby the house. Rakesh and his parents covered their mouths with their handkerchiefs and rushed into the house. Rakesh's uncle and his family warmly welcomed them. Rakesh hai ek bachcha 5vi class ka. वो अपने अंकल के घर जाता है अपने पेरेंट्स के साथ और उनके मकान के सामने पॉलीथीन के बहुत सारे जो है लिफाफे जो हैं वो देखता है उनके मकान के आसपास. और फिर राकेश और उसके पेरेंट्स जो हैं उन्हें वहाँ बदबू आती है उन लिफाफों के पास से और वो अपना मुंह रुमाल से ढाँप कर जल्दी में घर के अंदर घुस जाते हैं. और राकेश और उसकी फैमिली जो है उसके पेरेंट्स हैं जो हैं उन्हें और राकेश का अंकल और उसकी फैमिली बड़ी गर्मजोशी के साथ वेलकम करते हैं इस्तकबाल करते हैं. अब उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर राकेश और उसके अंकल के बीच में एक डिस्कशन हुई है पॉलीथीन्स के हवाले से. वो हम स्टडी करने जा रहे हैं. राकेश, Uncle, why is there so much of dirt outside, stink outside the house? Rakesh's uncle, my dear son, it is because of the dirt in the polythene bags. Rakesh, what is polythene? Rakesh's uncle, it is a tough, light, flexible synthetic resin made by polymerizing ethylene, chiefly used for plastic bags, food containers and other packaging. Rakesh, who discovered it? Rakesh's uncle, it was discovered by a German scientist, Hans von Pichmann. He had completely, by accident, made a polythene, a waxy residue at the bottom of his test tube. He had little idea of the material's significance. He was not to know that the substance was an early form of what we now use in everyday life. Rakesh अपने अंकल से पूछता है, अंकल ये बदबू किससे आ रही है? राकेश का अंकल जवाब देता है, मेरे बच्चे ये जो पॉलीथीन बैग हैं उनमें गंदगी से बदबू आ रही है. राकेश पूछता है, अंकल पॉलीथीन क्या होता है? तो राकेश के अंकल जवाब देते हैं, ये एक टफ हल्की और फ्लेक्सिबल चीज है जो मस्नूई तौर पर बनाई गई है इथिलीन से. इथिलीन को पॉलीमराइजेशन के तरीके से ये बनाई जाती है और ये इस्तेमाल होती है प्लास्टिक के थैलियां बनाने में, फूड कंटेनर्स को पैकिंग के लिए. राकेश फिर पूछता है, अंकल इसे किसने डिस्कवर किया? तो एक्चुअली ये इन्वेंशन होनी चाहिए थी, यहाँ पर इन्होंने डिस्कवर लिख दिया है. राकेश का अंकल कहता है कि ये एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेंस वॉन पिचमैन, उसने इसको इन्वेंशन की थी इसकी. यहाँ पर मेरे ख्याल से इनको डिस्कवर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था. तो चलो, उसने यानी हेंस वॉन पिचमैन ने इसे एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था. वो असल में कुछ और बनाने जा रहा था तो उसके टेस्ट ट्यूब के बॉटम में उसने देखा कि एक वैक्सी यानी वैक्स जैसा कुछ चीज़ जमा हुई है. तो उसको ये मालूम नहीं था कि ये मटेरियल जो है ये बाद में क्या बनाया जाएगा इससे. तो उसको इसकी इम्पोर्टेंस के सिग्निफिकेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. फिर राकेश के
राकेश पूछता है, बट अंकल व्हाई आर देयर सो मेनी पॉलिथीन बैग्स? राकेश फादर, माय सन आई विल टेल यू द रीजन फॉर दिस. रोहित, राकेश कजन, अंकल आई आल्सो वांट टू नो देम. राकेश फादर, ओके डियर, बट लिसन केयरफुली एंड आई एक्सपेक्ट दैट आफ्टर लिसनिंग टू मी यू किड्स विल स्टॉप यूजिंग पॉलिथीन बैग्स विच वी एल्डर्स हैव सो फार फेल्ड टू डू. In fact, you have to make a promise not to use polythene bags and also encourage other kids in your schools and neighborhood not to do so. Rakesh and Rohit, all right, we promise it. Phir Rakesh uncle se puchta hai ki uncle, yahan par itne sare polythene bags kyun pade hain? Ab Rakesh ka jo father hai, wo bolta hai, mere bete, मैं तुम्हें इसके लिए इसके रीजंस बताऊंगा, इसकी वजूहत मैं बताता हूं. रोहित जो राकेश का कजिन है वो कहता है, अंकल मैं भी ये सुनना चाहता हूं. फिर राकेश का जो फादर है वो कहता है, ओके डियर, ठीक है बेटा, आप लोग इसको ध्यान से सुनो और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सुनने के बाद पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद कर दोगे और हम जो हैं बड़े, हम इसमें अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं और आप लोगों को ये वादा करना होगा कि आप कभी भी पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल नहीं करोगे और दूसरे बच्चों को भी अपने जो नेबरहुड्स में आपके आस पड़ोस में रहते हैं या स्कूल में आपके साथ पढ़ते हैं उनको भी आप इस बात के लिए इनकरेज करोगे, उनकी हौसला अफजाई करोगे कि वो भी पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें. फिर राकेश और रोहित कहते हैं, ठीक है, हम वादा करते हैं कि हम कभी भी पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे. दैट इज इनफ फॉर टुडे. अब आप इसके आगे जो है वो हम कल स्टडी करेंगे.